जावा के अंदर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनके लिए मेमोरी कैसे एलोकेट किया जाती है, चलो समझते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मैंने क्या किया, एक मेथड वन को डिफाइन किया हूँ। इस मेथड वन को क्या कर रहा हूँ, मेथड मेन मेथड से कॉल कर रहा हूँ। यहाँ हम मेन मेथड को बोलेंगे कॉलर मेथड, मेथड वन को बोलेंगे कॉल्ड मेथड। ओके, जो पैरामीटर्स मैं पास कर रहा हूँ वेल कॉलिंग द मेथड, वो पैरामीटर्स को हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किया हूँ अलॉन्ग विद द मेथड डेफिनेशन, उस पैरामीटर्स को हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। मेथड वन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू एफ वन के अंदर आता है उस वैल्यू से प्लस वन कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू सेकेंड पैरामीटर के अंदर आता है उस वैल्यू के साथ वन को एडिशन कर रहा हूँ। ओके, मेन मेथड के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं मेथड को कॉल करने से पहले एक्चुअल पैरामीटर्स को प्रिंट कर रहा हूँ, मेथड को कॉल लगाने के बाद एक्चुअल पैरामीटर्स को प्रिंट कर रहा हूँ। चलो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, ए वन के लिए मेथड को कॉल करने से पहले क्या प्रिंट हुआ, 10। मेथड को कॉल करने के बाद क्या प्रिंट हुआ, 10। मतलब यहाँ ए वन क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है मेथड को कॉल करने से पहले, मेथड को कॉल करने के बाद। अब देखते हैं ए टू मेथड को कॉल करने से पहले क्या प्रिंट हुआ, 10। मेथड को कॉल लगाने के बाद क्या प्रिंट हुआ, 11। यहाँ ए टू क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी अरे, मतलब मेथड को कॉल करने के बाद ए टू के अंदर वैल्यू चेंज हुआ। इस तरह का आउटपुट हमको क्यों मिला, इसे समझने के लिए थोड़ा हमको मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम एक्चुअल पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं इनके लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी, इसी तरह फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए भी मेमोरी एलोकेट किया जाएगी। जब भी हम पैरामीटर्स के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। जो भी चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर के साथ करते हैं वो चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, जो भी चेंजेस हम एक्चुअल पैरामीटर के साथ करते हैं वो चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर के साथ रिफ्लेक्ट नहीं होंगे इन केस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमें जब हम पैरामीटर्स के अंदर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब अरेस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स बोथ पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशंस। इस कंडीशन में क्या होता है, वह जो भी चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर करते हैं वो सारे चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं, जो भी चेंजेस हम एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर करते हैं वो सारे चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए हमें क्या किया, मेथड के अंदर जो भी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर आए हैं उस वैल्यू के साथ हमें एडिशन किया प्लस वन के साथ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए उस एडिशन वाला पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए उस एडिशन रिफ्लेक्ट होकर हमको 11 प्रिंट हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स।